जो तमाम विपक्षी गठबंधन के जो नेता हैं, तमाम दल हैं, विरोध जता रहे हैं, इसमें महेश चव्हाण, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की कोई गलती है क्या, महाराष्ट्र के साथ क्या भेदभाव हुआ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भैया बीजेपी शासित राज्यों, जो गैर बीजेपी शासित राज्य, उनके साथ अनदेखी की गई, भाई महाराष्ट्र में भी उसमें शामिल है, अब महाराष्ट्र को भी कुछ नहीं मिला तो उसका भी रोना रो रहे हैं। पूजा जी, सबसे पहले तो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने जो कहा कि तीसरी बार मोदी जी की सरकार आई है और भाजपा की सरकार आई है, वो गलत है। तीसरी बार जो सरकार आई है वो एनडीए की सरकार आई है, खुद मोदी जी भी ये मानते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर इस बजट पर साफ दिख रहा है। अभी आपने पहले, मैं उस पर भी आऊंगा, मेरे दो तीन मुद्दे हैं। पहला मुद्दा जो महाराष्ट्र का आपने पूछा, महाराष्ट्र का के बारे में अगर आप बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि ये बजट बिहार और आंध्र प्रदेश को समर्पित है। महाराष्ट्र को जिस हिसाब से महाराष्ट्र से रेवेन्यू मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस हिसाब से महाराष्ट्र को बहुत ही कम दिया गया है। जैसे कि अभी आपके सहयोगी ने कहा कि महाराष्ट्र को बहुत कम दिया गया है, देवेंद्र फडणवीस जी कुछ गिना रहे थे कि 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, ऐसे 5-6 हजार करोड़ भी उनकी टोटल नहीं हो रही थी। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र सरकार की आज लाडला भाई और लाडली बहन, ये दो योजनाएं महाराष्ट्र में चल रही है, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने और निर्मला सीतारमन जी ने बिहार के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए लाडला भाई योजना शुरू की है, ऐसे मुझे याद दिख रहा है। एट द सेम टाइम महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, वो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के लाडले भाई नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र को कुछ दिया नहीं जा रहा है। महाराष्ट्र में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि प्याज के, किसानों की प्रॉब्लम्स है, प्याज का भाव नहीं मिल रहा है, सोयाबीन है, बाकी के भी बहुत सारे संतरे है, केले, इसके बारे में कुछ भी नीति नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं युवाओं पे आऊँ, बेरोजगारी के बारे में अगर बात कहनी है, जो हमारा लास्ट चुनाव में मुद्दा, बहुत अहम मुद्दा था, तो इस पर भी उन्होंने घोषणाएं बड़ी की है, लेकिन कुछ मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये युवाओं को जो सपने दिखाए जा रहे हैं, आपको पता होगा 2014 में उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार सालाना निर्माण करेंगे। आज 10 साल बाद वो क्या कह रहे, 2 करोड़ छोड़िए, वो कह रहे रोजगार की तो बात ही नहीं कर रहे, वो इंटर्नशिप पे आए और 5 साल में 1 करोड़ इंटर्नशिप देंगे युवाओं को। इसका मतलब क्या है, सालाना वो सिर्फ 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देंगे, और उसमें भी पूजा जी शर्तें हैं, उस वो सभी युवाओं को नहीं मिलने वाला है, बहुत गिने चुने युवाओं को मिलने वाला है, आप देखिए, क्योंकि उसमें शर्तें हैं, उनकी उम्र, युवाओं की उम्र 21 से 24 साल में होनी चाहिए, वो IIM, IIT, CA, CA में नहीं होने चाहिए, उनके घर का कोई भी सदस्य सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए, उनके घर का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स पेयर नहीं रहना चाहिए। इतनी सारी शर्तों के बाद कितने युवाओं को ये मिलेगा, और ये जो इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, सिर्फ 500 टॉप कंपनी जो है उन्होंने उन्हें इंटर्नशिप देनी है। अभी यहाँ भी देखिए, जो दो कंपनियां हैं, जो दो बड़ी कंपनियां हैं, सबसे जब फायदा कराने की बात होती है तो सिर्फ ये दो कंपनियों को किया जाता है, जब बोझा डालने की बात आती है तो 500 कंपनियों को दिख रही है। अभी आप देखिए, अगर उनको, ये 500 कंपनियों को 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप देनी है, तो इसका मतलब हर एक कंपनी को 4000 युवाओं को इंटर्नशिप देनी है सरकार की वजह से, और उनको, उनकी जरूरत हो या ना हो, उनको वो बोझा उठाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी बातें है इधर। अभी तो और बातें अगर मैं करूं तो यहाँ पर चाइना के बारे में बात हुई, जब ये आर्थिक सर्वेक्षण आया एक दिन पहले, उसमें कहा गया कि चाइना से निवेश लाना चाहिए। अभी हमारी सरकार तो चाइना को दुश्मन मानती है, चाइना के साथ बॉर्डर पे हमारे पंगे हो रहे हैं, और अब वो उनसे निवेश लाएंगे कि नहीं लाएंगे, ये भी उन्होंने जनता को बताना चाहिए। बाकी इतनी सारी देश है चाइना के अलावा, लेकिन हमारे अर्थ मंत्रालय के एक्सपर्ट सरकार को यह सुझाव दे रही है कि चाइना से निवेश लेके आइए, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। और इसके बाद आखिरी मुद्दा मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा, प्रॉपर्टी बेचने पर जो इंडेक्सेशन का मुनाफा होता था निवेश जो करते थे उनको, वो भी हटा दिया गया है, तो कैसे चलेगा, मतलब बहुत सारी चीजें है अभी। ठीक है।